तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट सोनाली। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए कितना सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा सा हो रखा है मौसम एकदम। मैंगो और तेरा सर मैंगो, बच्चे किसके किसके परेशान करते हैं आप सब कमेंट करके बताना। मेरे तो बहुत ही ज्यादा करते हैं फ्रेंड, हद से ज्यादा जिसको बोलते हैं ना, ऐसा ही लोगों का परेशान वाला काम है। तो अभी मैं गई थी मार्केट थोड़ा, क्योंकि घर में ना सब्जियां वगैरह खत्म हो गई हैं, तो सब्जियां खत्म हो गई हैं, सब्जियां लेना था। तो हस्बैंड जी का थोड़ा सा चप्पल वगैरह भी ना खराब हो गए थे, टूट से गए थे ना, उनके लिए चप्पल भी लेने थे। तो अभी मैं गई थी मार्केट, वहीं से मैं चप्पल भी लेके आई और स्टैंड लेके आना। उन्होंने कहा स्टैंड मेरा रसोई में जाओ, तो वहीं से ना मैं लेके आई मैं चप्पल भी हस्बैंड के, थोड़े से सब कपड़े वगैरह। और हस्बैंड जी एक मिनट में आप सभी को दिखाती हूँ। अभी ना गाइस चप्पल अपना लेके आना, दिखाइए फ्रेंड को। मैं एक मिनट काटू, फिर तुम भी चलो, तुम भी चलो, दोनों जन चलो, यहाँ पापा बैठे। तो अभी सीजन का हटो, सीजन का फर्स्ट चीज लेके आए हैं फर्स्ट फल खाने के लिए, जो कि सभी का फेवरेट होता है। और आप सब में से किसका फेवरेट है कमेंट करके बताना, मेरा तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और मेरे बच्चों का भी मेरे साथ साथ बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और ये देखिए मैंगो, ये थोड़ा पैरेट काट दिया फ्रेंड, इग्नोर करिएगा। ये रास्ते में ही ना इसको मैंगो खा लिया है, पैरेट खा लिया है, सारे मार्केट में हंसने लगे, बेइज्जती करा के रखा है आज जाके। तो किसको किसको मैंगो खाना है गाइस, आ जाइए। एक मैंगो है 700 ग्राम का, सोचिए फ्रेंड। और अभी बहुत महंगा है, 150 रुपए किलो मिला था, इसलिए तो मैं इतना ही लेके आई थी, 70-80 रुपए का आया था। ये देखिए मैंगो, मैंगो फोन रखो, पहले मैंगो खा लो फिर करना। मैं मौका भी लिया पर मर जाती, मैं सर मारने का क्या फायदा इसे। आज फ्रेंड ये बिल्ली को, ये देखिए गाइस, लो जी खा के बताओ मीठा है का ज्यादा कि थोड़ा? मीठा है नहीं है, इन लोगों को कैसे मीठा लग रहा है? खट्टा ही है जी। बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा थोड़ा है फ्रेंड, क्योंकि अभी विदाउट सीजन मिल रहा है। ओहे ओहे इधर से दिख रही थी क्या? अभी देखिए बच्चे खुश होके मैंगो खा रहे हैं। तो कैसा है वो मैंगो? अच्छा। तो ये देखिए जो हस्बैंड जी के लिए मैं चप्पल लाई थी ना, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। इनके अपने सारे चप्पल टूट गए थे फ्रेंड, बूट है तो बूट अब गर्मियों में नहीं पहना जाता, चप्पल वगैरह सारे टूट गए हैं, तो फिर मैं लेके आई इनके लिए। तो ये देखिए सैंडल, सैंडल मम्मी डैडी सैंडल है, पापा और बच्चे का सेम टू सेम सैंडल आया है। और देखो मम्मी डैडी सैंडल देखो, तो एक पापा के लिए भी सैंडल आ गया है और इनके लिए एक ली हूँ चप्पल। ये ली हूँ मैं एक चप्पल इनके लिए, जो कि ठीक है, चलो घर पे ही पहनना, हम लोग कहीं तो जाते हैं नहीं, आप सभी को पता है। घूमने वगैरह के लिए हम लोग बस जैसे 10-15 किलोमीटर के हिसाब से, और किसी रिश्तेदारी में तो हम जाते नहीं, क्योंकि रिश्तेदार तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए फ्रेंड। तो ये दो चप्पल आई, चप्पल पालो, पर एक ये सैंडल भी लेके आई कि चल हो जाएगा, इधर उधर कहीं आए गए हमको पहनने के लिए, क्योंकि तो चाहिए फ्रेंड, इसलिए मैं लेके आई हूँ इनके लिए भी दो चप्पल। इनका चप्पल है जो खराब हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा पतला हो गया है। और आपको चीज दिखाने एक चीज और कि मैं क्या लाई हूँ, तो ये देखिए गाइस टंटाना। तो ये क्या है आप सभी को बहुत
मतलब बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो ये डोमेस्टिक है और मैं इसे खरीद के लाई हूँ। ये 50 का आया है तो मैं इसे लाई हूँ। ताजे नहीं है फ्रेंड, ये सूख गए हैं। आप डंठल के साइड पे देख सकते हैं, सूख गए हैं, कहीं दूर से आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके पेड़ में ना कहीं कहीं पे देखी, एक दो जगह देखी फ्रेंड, पर अभी किसी को ये पता नहीं कि खाने वाली चीज है, कि इसकी सब्जी बनती है। हम लोगों जैसे लोगों को पता है तो फिर हम लोग खा लेते हैं। तो ये भी मैं लेके आई, ये 30-30 करके, तो मैं दोनों 50 में लेती हूँ। तो बाकी और कुछ मैं नहीं लाई हूँ कुछ खास। बाकी गोभी में ढेर सारे लेके आई हूँ, और इसमें भी सब्जी ही है। सॉरी, टमाटर था, ये बैंगन है, ये लाई हूँ मैं ताजी सी फ्रेश भिंडी, और ये क्या है, नींबू, तो ये नींबू। इतने सारी चीजें मैं फ्रेंड लेके आई हूँ, और इसमें है ताजी ताजी सी हमारी गोभी। गोभी सस्ती मिली इसलिए मैं 3 किलो लेके आई हूँ, 3 किलो से। चलो आ जाता है।